हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है एक्सरसाइज 12.1 को समझेंगे और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1। तो सबसे पहले मैं बात कर दूँ सर्कल की, ठीक है। मैं आप लोग पहले से ही जानते हैं कि बच्चों क्या होता है सर्कल। मैं एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, और ये इसका क्या है बेटा, सेंटर है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास पॉइंट्स का वो कलेक्शन, ये पॉइंट्स का कलेक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है बेटा। ये पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है नम, ये सारे पॉइंट इनको सबको जब मिला देंगे तो ये जो कलेक्शन मिलके ये जो फिगर बन रहा है ना, इसे हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट्स है इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ओके। तो ये जो फिगर बनता है, ये जो फिगर बना है, इसे हम कहते हैं सर्कल, ठीक। तो सर्कल में ये जो मैंने बनाया है अभी यहाँ से लेकर, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर। और ये जो टोटल राउंड फिगर है, इस पूरे फिगर को तो सर्कल कहते हैं, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है आउटर साइड की, जो बाउंड्री है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। इसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी मैं लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है, ये हमारा सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं उन सबके जो डिस्टेंस होती है वो आपस में इक्वल होती है। जैसे कि अगर ये ओ ए है और ये जैसे ओ बी है, तो ये भी रेडियस है। रेडियस को हम आर से प्रेजेंट करते हैं, सिंस ओ ए जो होगा वो ओ बी के इक्वल होगा। एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, ठीक। सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, ठीक है, 2πr। जनरली जो पाई की वैल्यू ली जाती है वो 22/7 ली जाती है, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा आपको। एंड पाई क्या होता है, पाई होता है आपका सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है। इसका रेशियो होता है पाई। अगर आपसे कोई पूछे तो आप आराम से उसे बता सकते हैं कि व्हाट इज पाई। अगर जनरली पाई की बात की जाए, पाई एक इरेशनल क्वांटिटी होती है, ठीक है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, लगभग है, हर बार नहीं आती है, इसी वजह से पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है। अगर आपसे कोई पूछे पाई रेशनल है या इरेशनल, तो आप बोलेंगे इरेशनल है, ठीक है। अभी यहाँ मैंने बात की डायमीटर की, व्हाट इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस, देखो बेटा, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस को मिलाए बट सेंटर से होता हुआ पास हो, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू। देखिए ये जो डिस्टेंस पी क्यू है, ये सेंटर से पास हो रहा है और सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस को मीट कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम डायमीटर कहते हैं। ये जो लेंथ है पी क्यू, ये हमारी क्या होगी, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं। और डायमीटर जो होता है बेटा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, आर प्लस आर कितना होता है, 2r। तो जी जो हमारा डी होता है वो 2r के इक्वल होता है, ठीक है। ये डायमीटर और रेडियस में रिलेशन भी है। अगर आपको डायमीटर दे रखा है और आपको रेडियस निकालना है, तो डायमीटर का हाफ कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। नेक्स्ट, कोड क्या होता है, व्हाट इज कोड। कोड क्या होता है, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस को मीट करे, ठीक है। जैसे इसका नाम मैंने दे दिया एम आर, ठीक है। तो देखो ये सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस को मीट कर रहे हैं, ओके, ये एम आर सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस को मीट कर रहे हैं, बट ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इसे हम बोलेंगे कोड। ये जो है ना एम आर, ये हमारा क्या है, कोड है। तो सारी बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैंने बता दी। और एक चीज़, और एक फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, वो कितना होता है,
वो उसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जितना बेसिक एक्सरसाइज में चाहिए ना, एक्सरसाइज के हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। तो 12.1 को करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैंने बता दी है। अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर, एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 27। ठीक है, जब तक कहा ना जाए आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। ओके, क्वेश्चन को अपने अच्छे से रीड किया होगा, क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपके पास दो सर्कल दे रखे हैं, एक बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है। ठीक है, इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम का इक्वल वो बड़ा वाला सर्कल है जिसका आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। मान लेते हैं उसका रेडियस कितना, कैपिटल आर है, और पहले वाले का रेडियस हम R1 मान लेते हैं, दूसरे वाले का रेडियस हम R2 मान लेते हैं। क्वेश्चन में जो R1 दे रखा है वो 19 सेंटीमीटर दे रखा है और दूसरे वाला दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस इस बड़े वाले सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो यहाँ लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया मैंने। तो देखो बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, बड़े वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr1, छोटे वाले का हो जाएगा 2πr2, और इसका हो जाएगा 2πr। 2π इधर से कॉमन है, निकालो कॉमन, इधर से R1 बचेगा, इधर से R2। ठीक है, 2π से 2π कैंसिल, R1 की वैल्यू पुट अप करो, R1 की वैल्यू हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, एक टेम्प्लाइज का सिंपल लगाओ, 19, R2 की वैल्यू है 9, तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक, सो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया।